तो रविशंकर, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, यदि आप अच्छा स्वस्थ रहना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको तीन चीजें कम से कम खाना चाहिए। समझ रहे हैं? अब आप कहेंगे गुरुदेव वो तीन चीजें क्या हैं, क्योंकि इन तीन चीजों के ज्यादा खाने से, और ज्यादा तो लोग ज्यादा ही खाते हैं, मैं भी पहले ज्यादा खाता था, लेकिन जब आयुर्वेद का ज्ञान हुआ, जानकारी हुई, तो फिर हमने बदलाव किया, प्रयोग करके देखा, और वही जानकारी आपको शेयर कर रहे हैं। तीन चीजें कम खाओगे तो कम बीमार पड़ोगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और बैटिंग भी अच्छी करेंगे आप, बढ़ावे तक। हालांकि अच्छी बैटिंग के लिए तूफानी, अल्टा तूफानी और सुपर तूफानी जैसे चूर्ण भी पिछले 3 वर्षों से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर सेवा कार्य में रत है, जो कि हमने अपने वैद्य जी से तैयार करा के जन सेवा करा रहे, वो थोड़ा कॉस्टली है, तो इसलिए हम निरंतर निःशुल्क सेवा भी करते हैं, जानकारियां भी प्रोवाइड कराते हैं, ताकि जो धनहीन है या जो कृपण है, कंजूस है, या जो धन धन नहीं है जिनके पास, वो लोग भी अपना स्वास्थ्य बेहतर कर सके। तो चर्चा चल रही थी कि वो तीन चीजें कौन सी हैं। पहली है चेपादार चीजें, चेपादार चीजें कम से कम खाएं, क्योंकि चेपादार चीजें जो हैं वो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत पैदा करती हैं, पेट में भारीपन लाते हैं, जैसे भिंडी है, अरबी है, अरबी माने जिसको घुइया भी कहते हैं उत्तर भारत में, केला है, उड़द की दाल है। हालांकि ये चीजें शक्तिवर्धक भी हो सकती हैं, लेकिन किसके लिए, जो इनको पचाने की क्षमता रखता है। अगर किसी को कब्ज की शिकायत है, पाचन तंत्र कमजोर है, या मेहनत कम करता है, तो इनसे ताकत कम बढ़ेगी, बीमारियां ज्यादा बढ़ने लगेंगी, ऐसा मेरा अनुभव है। समझ रहे ना आप लोग? चेपादार चीजें शक्तिवर्धक होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कटहल है, जिसमें चिपचिपाहट है, समझ लीजिए वो ताकतवर है, और चिपचिपाहट जब आपकी अंतड़ियों में जाएगी, पेट में जाएगी, तो वो आंतों में भी एक फंसाव का काम करेगी, तो आपका मोशन बड़ा जो है टाइट हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत क्रिएटअप हो सकती है, होगी निश्चित रूप से। यदि आपका हाजमा ठीक नहीं है, यदि आपको स्वप्न दोष की शिकायत है, यदि आपको कब्ज की शिकायत है, यदि आपका लीवर कमजोर है, पीलिया की शिकायत है, यदि आपको अल्सरेटिक प्रॉब्लम है, तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। यदि आप हैवी वेट हैं, यदि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, यदि आपको यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है, यदि आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम है, यदि आपको ज्वाइंट्स पेन होता है, यदि आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो भी इससे दूर रहना है, चेपादार चीज़ों से। यह 1/4 तो लोगों के लिए उपयोगी है, और 1/3 लोगों के लिए ये उपयोगी नहीं है। जिनका वजन कम है वो इन चीज़ों को ले सकते हैं, लेकिन हजम करने की क्षमता आपको पैदा करने पड़ेगी, उसके लिए आपको फिजिकल एक्टिविटीज जरूर करना चाहिए, जैसे जॉगिंग है, खेल कूद है, बॉक्सिंग है, वॉकिंग है, जॉगिंग है, मानी जिसमें पसीना निकले आपको, इस तरह के कार्य, तभी आप इन चीज़ों को। बहुत सारे लोग हैवी विटामिन लेते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं प्रोटीन नेक्स्ट टाइप की चीज़ें लेते हैं, और उनको साइड इफेक्ट हो जाता है, एलर्जी की शिकायत हो जाती है, वीर जल्दी आउट होने लगता है बॉडी बनाने के चक्कर में। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो ये बहुत गहरे अनुभव की बात। दूसरी क्या है? तैलीय चीजें, चिकनी चुपड़ी तली होनी चीजों से जितना आप दूर रहेंगे, चाहे वो तत्काल की तली हुई हो या पास्ट काल की, पास्ट टाइम की तली हुई हो, जैसे बर्गर पिज्जा पहले का तला हुआ होता है, तली भुनी चीज़ों से भी आपके लिए बहुत सारे रोग होते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, आपको पित्ताशय की पथरी बढ़ने की संभावना रहती है, और वीर्य तो जल्दी आउट हो ही जाता है, समझ रहे हो ना। पेशाब में आपके दांत कटने की शिकायत बढ़ जाती है, पेशाब में जलन होने लगता है, आपको कील मुहासे ज़्यादा निकलने लगते हैं, समझ रहे हैं ना। तो तीन चीज़ों को मैंने प्रयोग कम से कम करने के लिए कहा है, उचित मात्रा में। तो चेपादार और चिपचिपाहट,
तो आपको ये तली चीज़ों से भी बचाव रखना है, अदरवाइज बहुत सारे रोग आपको होंगे, स्टेमिना आपका डाउन होता चला जाएगा, समझ रहे ना। इसके अतिरिक्त आपके लिए एसिडिक चीज़ों से भी बचाव रखना होगा, जिनसे आपको एसिड ज़्यादा बनता है। जैसे बहुत सारे लोग चाय है, कॉफ़ी है, गुटखा है, पान है, तंबाकू है, सिगरेट है, शराब है, और उसी में साथ उसी में आ जाता है जो हाई प्रोटीनिक चीज़ें होती हैं, जैसे मुर्गा है, मीट है, मछली है, अंडा है, भैंसा का है, गधे का है, सूअर का गोश्त है, ये सब चीज़ों से भी आपको बचाव रखना। आपको पता नहीं है, जितने शाकाहारी लोग बीमार नहीं पड़ते हैं जल्दी, उससे कई गुना ज़्यादा मांसाहारी लोगों को बीमारियां होती हैं, नाइट फाइल की शिकायत होती है, टाइमिंग उनकी कमज़ोर हो जाती है, समझ रहे हैं ना। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जो चीज़ें आपके पेट पर भार का काम करेंगे, वजनदार चीज़ें अगर आप खाएंगे, तो फिर आपका सारा समय जो है शरीर की जो शक्ति है वो हजम करने में लगी रहेगी, और फिर भी हजम नहीं कर पाएगी यदि आपकी फिजिकल एक्टिविटीज नहीं। और उसके उपरांत भी जो जानवरों को बीमारियां, जानवर जब काटे जाते हैं, प्राइवेट रूप से बहुत सारे लोग काट रहे हैं, और जो बूचड़खाने हैं जहां पर सरकार से प्रस्तावित होते हैं, प्रमाणित होते हैं, वहां पर भी सभी उनका जो जानवर है उनका मेडिकल चेकअप नहीं होता है, निश्चित रूप से नहीं होता है, समझ रहे हैं। वो किस बीमारी से ग्रसित होते हैं, वो डर की वजह से, वो पता नहीं उनको क्या क्या बीमारियां होती हैं, जो जानवरों की बीमारियां होती हैं हम तो जानते भी नहीं हैं, और ऐसे, और वो एक दूसरे को देख रहे हैं। मैंने कई वीडियो ऐसे सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि ऊँट रो रहा है, ऊँट कैमल रो रहा है, जानवर रो रहे हैं, बकरा रो रहा है, गाय भैंस रो रही हैं, दूसरे कट रहे हैं, फिर उनका नंबर आने वाला है। तो इनकी जो हाय है, इनकी जो तरंगे हैं, वेव्स हैं, वो तरंगे खाने वाले के लिए कभी भी शांति का पात्र नहीं होने देंगे। कैसे सुखी रह सकता है किसी का, अगर आप धन छीन रहे हो और उस धन से तुम सुखी होना चाहते हो, धन छीन करके कैसे हो पाओगे। कहते हैं धन नहीं छीनना चाहिए, बलात्कार नहीं करना चाहिए, जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, उसके पीछे का ये कर्म विज्ञान का है। लेकिन ये कहीं किसी धर्म या मजहब में यह क्यों नहीं बताया गया है, केवल एक सनातन धर्म के अतिरिक्त, योग विज्ञान के अतिरिक्त, कि जो लोग मांसाहारी होते हैं, दूसरों के शरीर को छीन रहे हो, किसी का कपड़ा छीन लो इतना दुख नहीं होता है, छिन जाएगा दूसरा आ जाएगा, पैसे छीन लो तो भी इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन किसी की इज्जत छीनोगे तो बहुत बड़ा जीवन दुख होगा, बलात्कार करोगे, और उससे भी बड़ा जो महादुख है, उसकी बॉडी को छीन रहे, उसके उसके पार्ट को काट रहे जबरदस्ती, और उसको खाओगे तुम मानव हो या दानव हो या राक्षस हो। तो इन तीन चीजों से जो बचा के रखेगा, उसका तन भी स्वस्थ ज्यादा रहेगा, मन भी स्वस्थ ज्यादा, ब्रेन भी अच्छा काम करेगा, और साथ में आध्यात्मिक शांति या आध्यात्मिक जगत का जो रहस्यमय पर्दा है, जगत है, प्लेटफॉर्म है, उसका भी वो एक अच्छा यात्री हो सकता है। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। आज इतना ही। ओम शांति, ओम क्रांति। सब्सक्राइब करो ना करो, लेकिन कम से कम शेयर तो जरूर करो, अच्छी बात है, ताकि समाज में जागरूकता पैदा हो। अच्छी बातों को भी अगर तुम आगे नहीं बढ़ा रहे हो, तो समझो तुमसे बड़ा कोई राक्षस नहीं है, तुमसे स्वार्थी, तुमसे बेकार कोई आदमी नहीं है। कारण जानते हो? क्योंकि अच्छी चीज़ों का तुम फायदा उठाना चाहते हो, लेकिन वो बांटना नहीं चाहते हो। जो दूसरों को अच्छा सहयोग नहीं करता है, परमात्मा उसकी नहीं सुनता है। तुम कभी भी निरोगी नहीं हो सकोगे अगर तुम दूसरों की मदद नहीं करोगे। केवल तुम अकेले धनवान होना चाहते हो, दूसरों को भी धनवान बनाने के कुछ फंडे सिखाइए, कुछ रूल्स सिखाइए। तुम अकेले पहलवान होना चाहते हो, दूसरों को भी शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ सुझाव दीजिए, कुछ विद्या दीजिए, है ना, तभी ऊपर वाले की कृपा, ऊपर वाले की रहमत आप पर ज्यादा बरसेगी। ओम।